तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, जिसका मास 5 kg है, और एक डिस्क है जिसका मास 4 kg है। तो सॉलिड स्फीयर को मैं इधर बना लेता हूँ, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, और इसका मास जो है वो अपना 5 kg है, और इसकी कुछ रेडियस है, तो रेडियस r है, और इधर एक डिस्क है, इधर मैं डिस्क का कैलकुलेशन करता हूँ, ये रहा अपना डिस्क, और डिस्क का जो मास है वो है अपना 4 kg है, और इसकी रेडियस r है। देन द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट्स प्लेन टू द मोमेंट, देखो टेंजेंट टू इट्स प्लेन मतलब ये इसी के प्लेन में टेंजेंशियल हो, समझ रहे हो ना बात को। तो ये जो लाइन है, ये डिस्क के प्लेन में लाइन है मेरे भाई, डिस्क के प्लेन में मतलब ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है डिस्क के प्लेन में, और इस डायमीटर पे अगर रोटेशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसको निकाल सकते हो। इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr² / 4, समझना, ये डिस्क के प्लेन में भाई डायमीटर है, और यहाँ से जो लाइन इसके टेंजेंशियल पास हो रही है, ये जो लाइन है इस डायमीटर के टेंजेंशियल जो है वो जो भी जो डिस्क के प्लेन में है इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो इस वाले पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं तो I1 इसको, तो ICm + md² होता है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है जो डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर है, तो ये ICm, ICm मतलब डायमीटर पे, तो mr² / 4 प्लस मास और डिस्टेंस r का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 5 mr² / 4, और यहाँ से तुम 5/4, m की वैल्यू 4 है और रेडियस r का स्क्वायर है, मतलब ये आ जाएगा 5 r² दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये किसकी कहानी रही, डिस्क की। अब बात करते हैं स्पीयर की, स्पीयर के टेंजेंट से, स्पीयर के खुद के एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर अगर रोटेशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे बनता है 2/5 mr², ठीक है, और अगर एक लाइन जो टेंजेंट हो रही है, टेंजेंशियली जा रही है, तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, वो हमको नहीं पता, उसको मैं I2 मान लेता हूँ, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ, ICm + md², तो ICm + md² फॉर स्पीयर के लिए। तो अगर मैं इस स्पीयर के लिए लगाता हूँ तो I2 की जो वैल्यू आ जाएगी ICm मतलब 2/5 mr² सेंटर ऑफ मास से पास प्लस mdr² मतलब आ जाएगा 7 mr² / 5, दैट इज I2। अब यहाँ से 7 और मास की वैल्यू कितनी है सॉलिड स्फीयर की, 5 है, तो 5 और 5 और r² मतलब ये आ जाएगा, जो I2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 7 r² मतलब 7 r² दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये कह रहे हैं रेशियो, रेशियो किसका किसका रेशियो, देखो द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क मतलब I1/I2 का रेशियो, तो I1 = 5 r² और यह आ जाएगा 7 r² सॉलिड स्फीयर का, मतलब यह आ जाएगा 5/7। अब इसको कंपेयर करोगे तो x/7 से, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, तो यहाँ पर मुझे 5 भरते हुए बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, और PDF देखो, PDF वगैरह लिंक में दिए हैं, उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो तुम। थैंक यू, बाय बाय।